मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माई सेल्फ संजय कुमार गुप्ता, मैथ्स एंड साइंस टीचर इन सेंट माइकल्स अकेडमी बेतिया। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी शैल रीड अबाउट साइंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर 5 ट्रांसफर ऑफ हीट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज फ्लो ऑफ हीट। नाउ हियर वी शैल टॉक अबाउट कंडक्शन विच इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स बिकॉज इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टूगेदर टाइटली। दिस इज द रीजन द हीट कैन फ्लो बाय देम इजली। स्टूडेंट्स, एज यू हैव सीन दैट इन डिफरेंट एक्टिविटीज द सॉलिड्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ द सोर्स ऑफ हीट ऑब्वियसली becomes hot. Suppose I have a spoon and this spoon is to be brought in the contact of a candle, then what will happen if I keep it on the flame of the candle? Obviously it will be heated after some time. We can understand it by a simple activity, as I have another spoon on which some steel pins are attached by wax. Now we see how heat is to be conducted by this. Just I keep it on the flame of, you have seen just as one of the pin dropped. Now we wait for other. Okay, students, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे heat अपने प्रारंभिक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह वैक्स जो इस चम्मच के ऊपर लगा हुआ है वह पिघल रहा है और उससे जुड़ा हुआ पिन भी नीचे की ओर गिर रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं? यह स्पष्ट है कि इस स्पून के मॉलिक्यूल्स हीट को अपने प्रारंभिक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ले जा रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन और इसको हिंदी में हम चालन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल गेट दैट आफ्टर सम टाइम द रिमेनिंग पिन ऑल्सो विल बी ड्रॉप when the heat will pass at that place. So you can know easily that how heat flows from one place to another in solids. So students, there are two types of things which conduct heat and these objects are called conductors. There are two types of conductors, first good conductor and second one bad conductor. Good conductor means suchalak, means those substances that can flow heat easily through them are called
गुड कंडक्टर, यानी ऐसे पदार्थ जो अपने से ताप को आसानी से जाने देते हैं उनको हम सुचालक कहेंगे। एट ऑल द मेटलिक सब्सटेंसेस यू कैन सी एट योर होम डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप बाय मेटल्स, जैसे स्टील, लोहा, तांबा, जस्ता। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वी आर एबल टू मेक आवर फूड मटेरियल्स इन दोज यूटेंसिल्स। एंड सेकेंड वन आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स मीन्स टू चैनल, ऑब्वियसली दे वर्क अपोजिट टू गुड कंडक्टर, मीन्स दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। यानी ऐसे पदार्थ अपने आप से ताप को जाने नहीं देते, एंड दिस इज वाई दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। इवन दे कैन बी बर्न्ड इजिली बट देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट गेटिंग हीट विच आर फार फ्रॉम देम। अब जैसे लकड़ी का उदाहरण लो, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो सिर्फ वही हिस्सा जलता है जो आग के संपर्क में रहता है, लेकिन अगर उससे दूर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह गर्म नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी उस ताप का चालन नहीं कर पाता है, उसको वहां तक नहीं पहुंचाता है। जब आग धीरे धीरे उस मॉलिक्यूल तक जाती है तब वह भाग भी जलना शुरू करता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज डेफिनेशंस इन योर कॉपी, एंड नाउ दिस इज टाइम टू रीड बुक एंड नो मोर अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन, दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली। Recall from the knowledge of your previous classes that the particles of solids are very, very closely packed with very, very little spaces between them. Also, all particles vibrate at their fixed positions. When a material is heated, its particles vibrate even more. Students, about it, we have already known in previous chapters that particles of material start more vibration when they are heated, क्योंकि जब उनको गर्म किया जाता है तो उनके जो कण होते हैं वो अपने ही प्लेस पर बड़ी तेजी से कंपित होने लगते हैं। When a material is heated, its particle vibrate even more. As they vibrate more, they bang into the particles next to them, and the next ones also start vibrating even more. Now it is the turn of these more vibrating particles to bang into the further next ones and make them also vibrate more. Thus the heat is automatically carried from one particle to another by way of increased वाइब्रेशन, क्योंकि जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उनके वाइब्रेशन से फिर वह अगले मॉलिक्यूल को अपना यह हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वह पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, एज यू हैव सीन इन द प्रैक्टिकल। और परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे पूरे बॉडी में वह वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और वह पूरा मटेरियल गर्म हो जाता है। नाउ कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड। और चूंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे काफी करीब होते हैं
और इसलिए यह कंडक्शन या चालन ठोस में ही होता है। बट इन लिक्विड एंड गैसेज द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर प्लेस सो दिस इफेक्ट कैन नॉट हैपन। और लिक्विड गैस में उनके पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं और इसलिए यह प्रक्रिया उनमें देखने को नहीं मिलती है। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स विच कंडक्ट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन वेरी इजली व्हाइल सम अदर्स डू नॉट। द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट इजली थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल मेटल्स लाइक कॉपर गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम आयरन ब्रास एटसेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अबाउट देम आई टोल्ड यू जस्ट। द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर नोन एज पुअर कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वुड ब्रिक्स प्लास्टिक पेपर ग्लास ग्लास उल उल कॉटन आइस स्नो एंड एयर आर सम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों सुचालक और कुचालक के बारे में मैंने आपको अभी बताया है और यही बताया कि कौन से चीजें कुचालक हैं और कौन सुचालक होते हैं। नाउ एयर भी ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे आसपास अगर थोड़ी आग जलती तो वह आग तुरंत ही चारों तरफ फैल जाती। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ एयर इन फ्लफी कॉटन थ्रेड्स ऑफ उल एंड उलन फैब्रिक्स मेक्स देम ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस टू एक्टिविटीज इट हैज बीन टोल्ड दैट इन फर्स्ट एक्टिविटी एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल एज इन प्रैक्टिकल ऑल्सो यू हैव सीन दैट मेटलिक स्पून ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट वाइल इन एक्टिविटी थ्री द शीट ऑफ पेपर कैन नॉट ट्रांसफर हीट इजली एज इट इज जस्ट रैप्ड ऑन अ नाइफ। बट वेन द पेपर इज अलोन यू फाइंड दैट द पार्ट ऑफ द पेपर विच इज जस्ट नियरर टू द फ्लेम स्टार्ट बर्निंग क्विकली बट अदर्स पार्ट आर नॉट बर्निंग एज क्विकली एज द फर्स्ट वन अबाउट विच ऑल्सो आई टोल्ड इन अर्लियर क्लास। नाउ वेन कैन कंडक्शन टेक प्लेस। कंडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली वेन द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट टूगेदर। फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज और टू एंड ऑफ द सेम बॉडी। अर्थात पहला स्थिति क्या होना चाहिए कि एक ही वस्तु के दो किनारों के बीच तापमान का अंतर होना चाहिए, या दो वस्तुएं हैं जो दूसरे से कनेक्टेड हैं उनमें भी तापमान का अंतर होना चाहिए। And the two bodies at different temperatures are in direct contact. यानी दोनों वस्तुएं जो तापमान में भिन्न हों फिर भी उनके बीच सीधा संपर्क होना चाहिए। Good conductors and bad conductors used by us. Some of the uses of good conductors and bad conductors of heat in our homes and industries are given below. As good conductors like steel, copper and aluminium are used to make cooking utensils so that they can easily transfer the heat from the source to the food being cooked. जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यही कारण है, चूंकि ये हीट को आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं इसलिए हम इनका प्रयोग भोजन बनाने के बर्तन के रूप में करते हैं।
गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन सोलर हीटिंग पाइप्स एंड बॉयलर्स इन केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज वुड प्लास्टिक एंड बेकेलाइट आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिक आयरन्स एटसेट्रा. चूंकि ये पदार्थ अपने से उष्मा को पास नहीं करने देते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग अपने कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक आयरन या दूसरे अन्य चीज़ों के हैंडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं. बैड कंडक्टर्स लाइक फ्लप्ड अप कॉटन एंड उलेंस आर यूज्ड बाय अस एज क्विल्ट एंड गारमेंट्स टू प्रिवेंट आवर बॉडी वार्मथ. स्टूडेंट्स, आपने जाड़े के दिनों में रजाई में रुई का यूज किया होगा या उन्हीं कपड़े का यूज किया होगा. क्यों? क्योंकि ये उष्मा के बैड कंडक्टर होते हैं, ये उष्मा को अपने से जाने नहीं देते हैं. और यही कारण है कि हमारे शरीर से जब ये कनेक्ट होते हैं तो हमारे शरीर की उष्मा को पास नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर के अंदर की उष्मा फिर हमारे ही शरीर के अंदर वापस जाती है और इसलिए उतने दूर में उष्मा की वृद्धि हो जाती है, जिससे हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं. सो एज यू हैव सीन दैट बैड कंडक्टर्स लाइक फ्लप्ड अप कॉटन एंड उलेन आर यूज्ड बाय अस एज क्विल्ट एंड गारमेंट टू प्रिवेंट आवर बॉडी वार्मथ बीइंग लॉस्ट टू द कोल्ड सराउंडिंग इन विंटर. बैड कंडक्टर्स लाइक एस्बेस्टस आर यूज टू मेक रूफ टॉप्स ऑफ बिल्डिंग्स एट प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट. यानी ऐसे स्थान जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर लोग अपने घर की छत बनाने में एस्बेस्टस का यूज करते हैं, जो सीमेंट का या उस तरह की चीज़ों का बना होता है जो गर्मी को आने से रोकता है. बैड कंडक्टर्स लाइक थर्मोकोल आर यूज्ड टू मेक आइस बॉक्सेस टू कैरी आइस. थर्मोकोल, यू आर वेल नोन अबाउट इट, कि कैसे उन चीज़ों को गर्म या ठंडा रखने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत होती है हम थर्मोकोल के पैक में उसको स्थिर रखते हैं, क्योंकि थर्मोकोल उष्मा को अपने से संचरित नहीं करता है. नाउ देयर आर समथिंग मोर दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायर फाइटर्स आर मेड ऑफ हीवी ड्यूटी पॉली रेजिन फाइबर विच इज एन इफेक्टिव पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड अलाउज द फायर फाइटर्स टू गेट इनटू फायर टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी. यानी ऐसे लोग जो अग्निशमन का कार्य करते हैं, अग्नि को बुझाने का कार्य करते हैं, वह जलती हुई आग में एक विशेष प्रकार के वस्त्र जो कि पॉली रेजिन से बना होता है उसको पहनकर और आग के बीच चले जाते हैं, क्योंकि यह पॉली रेजिन वह हीट का बैड कंडक्टर होता है, वह हीट को उनके शरीर तक पहुंचने नहीं देता है और इस तरह से वह अपनी रक्षा उस आग में कर लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस एंड देयर आर द आंसर्स ऑफ चेक पॉइंट 1 अबाउट कन्वेक्शन. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.